हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ नाउ से 16 जनवरी है। आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ असम अकॉर्ड को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर सेटलमेंट साइन किया गया था 1985 में। उसी के क्लॉज 6 को पता लगाने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन का पता लगाने के लिए इस हाई लेवल कमेटी को बनाया गया, जिसके हेड होंगे एमपी बेजबरुआ और इसमें कई सारे एमिनेंट एसएमईज पर्संस होंगे और इनको अपना रिपोर्ट विद इन 6 मंथ ही सबमिट करना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि असम अकॉर्ड है क्या, व्हाट इज असम अकॉर्ड। 1985 में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया गया था किनके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो असम मूवमेंट के लीडर्स थे उनके। 1985 को न्यू दिल्ली में ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया गया था। तो इसके पीछे क्या कारण था, एक असम एग्रीटेशन स्टार्ट हो गया था और उसी को शांत करने के लिए ये एमओएस लाया गया था दोनों के बीच में, सरकार और जो वहाँ के लोकल लीडर थे, असम मूवमेंट के लीडर थे उनके बीच में। तो कुछ की फैक्टर्स हैं इनके, क्या क्या डिमांड इनके उस वक्त थे। सबसे पहले तो इन्होंने ये डिमांड किया था कि जो 1951 और 1961 में असम में एंटर हुए हैं जो फॉरेनर्स हैं, उनको सिटीजनशिप राइट दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ राइट टू वोट में भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। फर्स्ट इनकी डिमांड थी। सेकंड, उन्होंने कहा था कि जो 1961 और 71 यानी कि उसके बाद के 10 साल में आए हैं, उनको सिटीजनशिप तो दिया जाना चाहिए लेकिन वोटिंग का राइट नहीं दिया जाना चाहिए अगर वो 10 ईयर्स तक वहाँ पर रह जाते हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर जितने भी राइट्स होते हैं सिटीजनशिप के वो मिल जाने चाहिए। थर्ड, उनका ये राइट था, ये उनका डिमांड था कि एक पैरेलल पैकेज हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है असम का वो होना चाहिए, जिसमें कि ऑयल रिफाइनरीज यानी कि सेकेंड ऑयल रिफाइनरीज खोली जाए, पेपर मिल, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ओपन हो और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसमें और प्रॉपर पैकेज दिया जाना चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो असम के कल्चर और हेरिटेज हैं, कल्चरल सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, जो डाइवर्सिटी है वहाँ पर, उसको बचाए जाने का पूरा प्रावधान होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स उनके लिए होना चाहिए, इनके उस टाइम के डिमांड्स थे। एंड ये जो कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी, ये किस किस चीज़ को रिव्यू करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कमेटी विल एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस टेकन सिंस 1985। तो जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितने कदम उठाए गए हैं अभी तक 1985 से, उनका पता लगाने के लिए कमेटी एग्जामिन करेगी। इसके बाद विल होल्ड डिस्कशंस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, उनके साथ मिलकर के प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा और ओवरऑल चीज़ों का पता लगाया जाएगा। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो एक्सेस द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन असम लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो टोटल असमीज पीपल कितने हैं वहाँ के असेंबलीज में या कितना रिजर्वेशन को दिया जा रहा है, इसको भी वो एसेस करेगी, पता लगाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो इनको सौंपा गया है और विद इन 6 मंथ इनको ये सारे कामों का पता लगा करके सौंपना है अपने रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये क्लॉज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला न्यूज है नेशनल पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। तो एक सर्वे हुआ था एनएसएसओ का, जो सर्वे था नेशनल सैंपल सर्वे, उसमें जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनके लिए एक प्रॉपर डाटा सामने आया था। इस सर्वे के अकॉर्डिंगली टोटल 39 लाख पीपल हैं आर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक वर्कर्स। तो आप समझ सकते हैं 39 लाख पीपल डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम करते हैं, ये एस्टिमेशन था इनका एनएसएसओ का। बाय द प्राइवेट हाउस होल्ड्स ऑफ विच 26 लाख आर फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स। तो प्राइवेट हाउस होल्ड्स में इतने सारे लोग हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इसमें कि 26 लाख फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, यानी कि मेल से ज़्यादा फीमेल हैं जो कि ऐसे प्राइवेट हाउस होल्ड्स में काम करती हैं एज अ डोमेस्टिक वर्कर। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडरिंग टू फॉर्मुलेट अ नेशनल पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। इनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए एक पॉलिसी लेकर के आना चाहती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। उसमें कौन कौन से फीचर्स को उन्होंने ऐड किया है ये देखते हैं। इंक्लूजन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन अभी है, जो रूल है, जो लॉ है, उसमें डोमेस्टिक वर्कर को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। साथ ही साथ डोमेस्टिक वर्कर्स विल हैव द राइट टू रजिस्टर एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड सच रजिस्ट्रेशन विल फैसिलिटेट देयर एक्सेस टू राइट एंड बेनिफिट्स। तो डोमेस्टिक वर्कर्स के राइट्स और बेनिफिट्स को प्रिजर्व करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे एंड दे हैव राइट टू रजिस्टर एज
अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स राइट टू फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन और यूनियन. वो अपना कोई एसोसिएशन या यूनियन भी बना सकती हैं या बना सकते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं सबकी बात हो रही है. एंड द राइट टू मिनिमम वेज इज एक्सेस टू द सोशल सिक्योरिटी. तो मिनिमम वेज देना पड़ेगा आप लोगों को, जो लोग डोमेस्टिक वर्कर्स रखेंगे जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स होते हैं उनको एक मिनिमम वेज फिक्स करना पड़ेगा, उससे कम वो नहीं दे सकते हैं उनको. राइट टू इन्हांस देयर स्किल, उनको अपने स्किल्स को इन्हांस करने का पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे. और साथ में ग्रेवियंस को रिड्रेस करने के लिए भी एक सिस्टम तैयार किया जाएगा, प्रॉपर कोड. ये सारे जो कानून है उसको लाए जाएंगे इस फीचर्स के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे. अगला न्यूज है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव लक्ष्य. तो एक साल, पिछले 2 सालों से न्यूज़ में है लक्ष्य, तो याद रखिए ये क्या है. लक्ष्य डायरेक्ट पूछा सकता है, इट वॉज इन न्यूज़. तो लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का पूरा प्लान है ये लक्ष्य, और इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने लॉन्च किया था. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द प्रेग्नेंट मदर. तो लेबर रूम और डिलीवरी के समय जिस रूम में रखा जाता है औरतों को, उसको लेबर रूम कहा जाता है. तो लेबर रूम या फिर जो मेटर्निटी ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, वहाँ के एनवायरमेंट को, वहाँ पे और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको बढ़ाने के लिए इस पूरे स्कीम को लाया गया था. और द गोल इज़ टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मेटर्नल और न्यू बॉर्न मोर्टैलिटी. तो ये जो मोर्टैलिटी होती है, मॉर्बिडिटी होती है, इसको रोकने के लिए इस चीज़ को लाया गया था, या फिर उसको कम करने के लिए इस लक्ष्य इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था. तो किस चीज़ से संबंधित है, याद रखिएगा, मेटर्निटी केयर से संबंधित है लक्ष्य इनिशिएटिव. अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो एक एनालिसिस थी पूरी कि क्या हम इसमें अचीव कर पाए हैं चीज़ों को, ये जो जन आरोग्य योजना स्कीम है प्रॉपर, इसमें क्या लोगों को सच में फ़ायदा मिल रहा है. तो आइए इसका बेसिक हम लोग देख लेते हैं किस प्रोग्राम में क्या था. आपको याद होगा कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था 2011 का, उसके बेसिस पे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा इसमें जन आरोग्य योजना में. और टू प्रोवाइड द कैशलेस ट्रीटमेंट टू बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई थ्रू दिस सेंसस, कैशलेस ट्रीटमेंट काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. और इसमें 5 लाख फैमिलीज हैं जो कि इंक्लूडेड हैं टोटल, जिनको कि हेल्प किया जाएगा सेकेंडरी और टर्शरी के लिए, याद रखना है इसको. और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है. इसके अलावा कुछ और इसके कंसर्न्स जो है वो देखते हैं. इंडिया रैंक एज 145th अमंग 195 कंट्रीज. तो इंडिया का जो रैंक आया था हेल्थ केयर क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी में, वो बहुत ही कम था. मतलब आप समझ सकते हैं कि 195 में 145 फिफ्थ नंबर पर इंडिया है. तो ऐसी बात है कि यहाँ पर हेल्थ के प्रस्पेक्टिव से और काम करने की ज़रूरत है, जीडीपी को और बढ़ाने की ज़रूरत है, जो हेल्थ में हम स्पेंडिंग करते हैं उसको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. हालांकि हमारा टारगेट भी था इसको बढ़ाने का. और एक पुअर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, WHO रिकमेंड्स 1 डॉक्टर फॉर पॉपुलेशन ऑफ 1,000. इंडियाज डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1 डॉक्टर एज पर द 11,000. आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है. WHO का डाटा ये कहता है नॉर्मली 1,000 पेशेंट पर एक डॉक्टर का होना चाहिए, बट इंडिया में 11,000 लोगों पर, पेशेंट्स पर एक डॉक्टर मौजूद है हमारे पास. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इन सभी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है अगर हम अपने यहाँ पर हेल्थ के एनवायरमेंट को अच्छा करना चाहते हैं. तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था, इसको अपने आंसर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम यहाँ पर है, जो भी लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं. तो 2019 या 2020 जब भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसके लिए आपके मेंटर आपको सुपरवाइज करते हैं, आपकी सेल्फ स्टडी को प्रॉपर चेक करके, आपका वर्बल टेस्ट, आपका आंसर राइटिंग का टेस्ट, ये सब इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड होता है. तो डिटेल के लिए आप कॉल कर लें. एंड सी सैट का बैच रहेगा सैटरडे को, मॉर्निंग में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो भी लोग सी सैट में आना चाहते हैं. वीकेंड पर इस बैच को रखा गया है, जो वर्किंग है वीकडेज में क्लास नहीं कर सकते हैं वो भी सी सैट के क्लास में आ सकते हैं. एंड अगला न्यूज़ है फॉर्मलिन इन फिश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अभी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी बिहार में एक फिश की वजह से काफ़ी सारी डेथ हो रही है ऐसा पता लगाया गया है. तो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, बिहार, सब जगह पे जब पता लगाया गया तो इसका कारण फॉर्मलिन को पाया गया. जो फिश होती है उसमें फॉर्मलिन का कंटामिनेशन है,
और फॉर्मेलिन काफ़ी टॉक्सिक होता है हेल्थ के लिए. क्या होता है फॉर्मेलिन देखते हैं. इट इज़ अ टॉक्सिक कलरलेस सॉल्यूशन दैट इज डराइव्ड बाय द डिजॉल्विंग फॉर्मल्डिहाइड गैस इन अ वाटर, जिसकी वजह से फॉर्मेलिन क्रिएट होता है. इट इज़ अ कैंसर इंड्यूसिंग केमिकल यूज टू प्रिजर्व फिश. तो आखिर फिश में ये फॉर्मेलिन का कॉन्टेमिनेशन कैसे हुआ? बिकॉज फिश को प्रिजर्व करने के लिए एक इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर को इम्पोज करती है. आप समझ रहे हैं कितनी भयानक बात है ये. और इस वजह से इस फिश में कंटेमिनेशन हो गया और फॉर्मेलिन की वजह से बहुत सारी जानें भी गई हैं रिसेंटली, कुछ मंथ्स में देखा गया. तो इट इज़ यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ग्लू, पेपर, इन सारी जगह पे फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है. तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेलिन क्या होता है. तो एक टॉक्सिक कलरलेस सॉल्यूशन होता है और बहुत ही हार्मफुल है ये. एंड इट कॉज इरिटेशन इन द आईज, थ्रोट, स्किन, स्टमक. तो बहुत इरिटेशन क्रिएट करता है. फॉर्मेलिन को लेकर के इसको याद रखना है. अगला न्यूज़ है ऑपरेशन सागर रानी. इसी से जुड़ा हुआ है ये, बट इसको मैंने अलग तरीके से न्यूज़ में रखा है ताकि आपको याद हो. तो ऑपरेशन सागर रानी जो है, इसको जून 2018 में केरला फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में लाया गया था. इसको इस ऑपरेशन को इसको कंडक्ट किया था. और टोटल 9600 kg ऑफ फिश प्रिजर्व इन अ फॉर्मेलिन एट द बॉर्डर चेक पोस्ट इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट. तो आप समझ सकते हैं कि 9600 किलोग्राम फिश को प्रिजर्व किया गया था फॉर्मेलिन में. और द सीज्ड फिश इंक्लूड 7000 kg ऑफ प्रॉन्स एंड द अदर स्पेसीज, जो अदर अदर टाइप के फिश होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड थे. तो इस ये सीज को ही नाम दिया गया था ऑपरेशन सागर रानी. तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऑपरेशन सागर रानी किस चीज़ से संबंधित था. तो ये किसी भी डिफेंस के डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं था, फूड प्रिजर्वेशन से संबंधित था. ये फॉर्मेलिन का कंटेमिनेशन कितना है या फिर कितने लोग इलीगली ऐसे प्रिजर्व कर रहे हैं फिश को फॉर्मेलिन में, उसको पता लगाने के लिए ऑपरेशन सागर रानी को लॉन्च किया गया था केरला स्टेट में. इसको याद रखिएगा. और नेक्स्ट न्यूज़ है क्रोकोडाइल सेंसस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओडिशा में सेंसस को लॉन्च किया गया था क्योंकि क्रोकोडाइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए. द पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर और एश्यूरियन क्रोकोडाइल हैज़ इंक्रीज्ड. अभी पता लगा है कि जो पॉपुलेशन है क्रोकोडाइल की वो बढ़ी है, खास करके जो भीतरकनी में देखा गया है सेंसस में कि वहाँ पर क्रोकोडाइल के जो नंबर्स हैं, पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज हुए हैं. एंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज प्राइमरी ड्यू टू द फार साइटेड मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो कई सारे इसके लिए ऑपरेशंस चलाए गए क्रोकोडाइल को प्रिजर्व करने के लिए. तो मेनली थ्री टाइप के स्पीसीज होते हैं क्रोकोडाइल्स में. अगर हम बात करें, सॉल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल, ये तीन तरीके के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं. मगर की अगर हम बात करें तो मगर क्रोकोडाइल को इंडियन क्रोकोडाइल भी बोला जाता है या फिर मार्श क्रोकोडाइल भी बोला जाता है. और ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा. इट इज़ मेनली अ फ्रेश वाटर स्पीसीज, रिवर, मार्शेस, इन सभी जगह पे मिलते हैं. नेक्स्ट है घड़ियाल. घड़ियाल की क्या खासियत होती है? इट इज़ अ फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, इज अ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये नेटिव है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN में. ये ज़रूरी याद रखना है. घड़ियाल का स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं ये. और आप देख सकते हैं किस किस रीजन में, बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है बट ये इस जगह पे मिलते हैं. सोन रिवर सेंचुरी, इन सब जगह में मिलते हैं. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है. ये सबसे बड़े होते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड लीस्ट कंसर्न है IUCN की रेड लिस्ट में. एंड इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ये क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं ज़्यादातर. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है रिलेटेड टू क्रोकोडाइल्स. और टेस्ट सीरीज की जानकारी है ये, जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं. आपका नेक्स्ट टेस्ट पॉलिटी का रहेगा 20 जनवरी को. इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेंगे, सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.stepwise.com.